हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द 20 स्टोरी। सो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से मेथी की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो उस दिन मैंने मेथी का पराठा बनाया था, जो कि मेथी पीस कर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख लेना। और आज जो पराठा मैं बनाऊंगी, ऐसे करके मेथी का मैंने ऐसे तोड़ लिया है, उसके पत्ते, सबसे पत्ते मैंने रखा है उसके, एंड उसको मैंने ऐसे छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एंड आपको कुछ भी पीसना या कुछ भी आपको इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आप, मैंने ये फॉर्चून का चक्की फ्रेश आटा यूज किया है, थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी, अजवाइन एंड नमक एंड थोड़ा सा चीनी, जस्ट अपने हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट किया है, ज़्यादा भी आप मत देना। एंड देन जस्ट आपको आटा लगा लेना है बस, एंड इसका आप डो बना लो, थोड़ा ऑयल आप ऐड कर लो। एंड इस रेसिपी को ना आप लाइक बहुत जन मेथी पूड़ी बना के भी बहुत जन खाता है, बट मैं इसकी पराठे बनाने जा रही हूँ। एंड बहुत जन मठरी भी बनाते हैं, अगर आप वो दोनों रेसिपी भी देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं ज़रूर वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे मैंने कहा, विंटर में अभी ये सब आपको बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल मिलेंगे, हर एक जगह आपको ये देखने को मिलेंगे, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सो मैंने इसका देखो ऐसा एक डो बना लिया है, बस इसके साथ मैं आपको लाइक दिखाऊंगी इसके साथ में डिनर में और क्या बनाने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, लाइक मैंने ऐसे पोटैटो को छोटा छोटा ऐसे चॉप कर लिया है, एंड देन इसके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा वेजीज भी नहीं डालने वाली हूँ, जस्ट थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लूँगी। एंड देन थोड़ा सा टर्मरिक आप दे दो, एंड थोड़ा सा आप अपने स्वाद अनुसार अपना सॉल्ट आप इस पर दे दो। देन आपके पास अगर एग्स है तो आप एग्स ले लो, मैंने अभी एक एक का फर्स्ट में मैं बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर दिया है एंड थोड़ा सा मैंने सॉल्ट दिया है, एंड देन एक मैंने ये दो एग का बनाया है एक साथ ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जा रहा था, ऐसे करके जस्ट मैंने ऑमलेट बना लिया। आप चाहो तो इसके ऊपर भी आप एक तोड़कर भुर्जी बना सकते हो, मैंने ऑमलेट जैसा कर लिया क्योंकि मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। एंड देन मैंने थोड़े अनियंस ऊपर में लास्ट में डाले हैं, एंड देन इसके साथ मैंने थोड़ा सा प्याज कली, मुझे अच्छी लगती है तो वो आप अंडे की भुर्जी के साथ भी कर सकते हो, बट मैंने ऑमलेट बना के इसको किया था, तो जस्ट मैंने छोटा छोटा चॉप करके ऐसे ये कट कर लिए थे, और मैंने एक्स्ट्रा और कोई भी वेजीज इसमें नहीं डाले हैं। तो जस्ट आप इसको ये कर लो, थोड़ा अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लो, बट उतना भी ज़्यादा ओवर फ्राई भी नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा सॉटे कर लेना, आप देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप मिर्च पाउडर डाल लो, आपके हिसाब से आपको कितना क्या स्पाइस पसंद है, मैंने थोड़े से चिलीज भी इसमें ऐड किए हैं। एंड जस्ट मैं तब तक थोड़ा सा करूँगी, जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा कलर टर्न जब तक ना हो तब तक मैंने थोड़ा सा किया। एंड मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ही लाइक चिलीज ऐड किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी कुछ खाना था। एंड देन मैंने थोड़ा सा ऑरिगैनो भी ऐड किया, अगर आपके पास ऑरिगैनो है तो आप उसे भी ऐड कर लो, तो आप देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अलग सा, इसमें कोई दूसरा मसाला नहीं है बट एक ऑरिगैनो बहुत ही अच्छा, एक स्मेल, एक अच्छा फ्रेग्रेंस आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड बहुत ही ज़्यादा झटपट बनने वाला ये आपका डिनर हो गया। इसमें आप देख सकते हो मैंने ऑमलेट को इस पर ऐसे भुर्जी की तरह मैंने इसको कर लिया, तो हो ही गया, कितना अच्छा लग रहा है। लाइक इसके एग के पोर्शंस भी आपको बहुत अच्छे से आपको इस पे लाइक मिलेंगे, एंड इसमें वेजीज भी है, एंड इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होगा। सो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा झटपट, ये आप इसको अपने ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए ले सकते हो, या फिर आप अपने डिनर में इसे मेन कोर्स के हिसाब से खा सकते हो। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट में थोड़ा हैवी खाना पसंद करते हो तो आप ब्रेकफास्ट के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो, लाइक बहुत कोई संडे को थोड़ा हैवी ऐसे खाना पसंद करते हैं। सो मैंने इसको जस्ट थोड़ा सा ऑयल से मैंने ये पराठा थोड़ा सेक लिया, एंड खाते वक्त मैं थोड़ा सा ऊपर से घी डाल लूँगी जिससे मुझे और भी अच्छा लाइक वो स्वाद लगता है, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा घी डाल के मैं इसको खाऊंगी। सो चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ, ऊपर से मैंने थोड़ा घी डाल लिया था, एंड ये हो गया आज का मेरा डिनर। सो आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, एंड आप भी ज़रूर ट्राई करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट व्लॉग।